और पहला सवाल हम ले शामिल कर रहे हैं रोहित का। वो बता रहे हैं कि वर्कआउट करते वक्त लोअर बैक में स्ट्रेन आ जाए तो उसे कैसे दूर किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। लोअर बैक के पेन के लिए, चलो बाबू कोशिश करो मेरे साथ साथ, उष्ट्रासन, ये सब कर लो, कोशिश करो उष्ट्रासन आराम से, धीरे धीरे। खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोकिट तो हम बताते ही हैं, उष्ट्रासन, फिर ये मकरासन, भुजंगासन और मरकटासन, ऐसे चलो, ऐसे मकरासन, भुजंगासन, खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर अथवा खाने के बाद चंद्र प्रभावित गोक्षरादि और त्रयोदशांग गुग्गल, एकदम पेन दूर हो जाता है। यहाँ लोगों का 15-15, 20-20 साल पुराना शेटी का पेन हम ठीक कर देते हैं, ये बहुत जबरदस्त है, ऐसे भी और ऐसे भी, और ये शलभासन, ऐसे ऐसे और मरकटासन। चलो तो ये छोटे छोटे उपाय कर लेते, कमर का दर्द का ही पॉइंट भी है, इसको भी दबा लेते, पूरा कमर दर्द गायब, और ये तो वैसे भी रिलैक्स हो जाती है इसको करके। तो अगला प्रश्न आप लेगा स्वामी जी। अगला सवाल किशोर का है, उन्हें 1 साल पहले सिरोसिस हुआ था जिसकी वजह से उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। नियमित रूप से प्राणायाम भी वो कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि आराम नहीं हो रहा है पूरी तरह से, तो उन्हें अब क्या करना चाहिए? लीवर सिरोसिस की दिक्कत है उनको। तो देखो सिरोसिस के लिए तो जितने उपाय आज हमने बता दिए हैं, लिवोग्रिड लिवामृत 3 बार लें और ये जूस पिए, लिवोग्रिड जूस जो आज हमने बताया है, और खान पान में उबला हुआ ही खाएं, वाटर थेरेपी, मड थेरेपी, मिट्टी पट्टी लें और गीला तोलिया पेट पर बांध लिया करें। ये छोटे छोटे उपाय, और बस्ती और ले लेंगे तो लीवर सिरोसिस हमने तो 1-2 का नहीं, इसके ऊपर मतलब जो है हम उदाहरण कम देते हैं, लेकिन सबसे पहला लीवर सिरोसिस का पेशेंट हमने हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी के एक करीबी रिलेटिव और उनके जो हस्बैंड है वो लीवर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर है, उन्हीं का ठीक किया था पूज्य आचार्य भाषण जी ने। पहले इसी सर्वकल्प के ग्रेन्यूल्स बना करके दिए जो हम आज लिवोग्रिड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मेरे से 3 महीने बाद बोले अमित भाई, बोले स्वामी जी उनको तो भूख नहीं लगती थी, पूरा लीवर बेकार हो चुका था लीवर सिरोसिस के कारण से, अब तो ठीक हो गए 3 महीने के अंदर, जबकि प्राणायाम ज़्यादा नहीं किया था। प्राणायाम ज़्यादा करें, साथ में लिवो ये जो सर्वकल्प की बस्ती भी ले लें, वाटर थेरेपी, मड थेरेपी भी कर लें, और ज़्यादा ध्यान दें खान पान पर, तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, जो बताया रास्ते पर चलो मंजिल मिलेगी। स्वामी जी एक और सवाल शामिल कर लेते हैं, दिलीप का है ये, वो कह रहे हैं कि क्या ऑटिज्म के शिकार जो बच्चे हैं उनको शीर्षासन से फायदा मिल सकता है? इसके अलावा और क्या औषधि और उपचार ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए है? हाँ, ऑटिज्म वालों को शीर्षासन और सर्वांगासन जो कर सके, इस शीर्षासन धीरे धीरे अभ्यास से हो जाता है, इससे एकाग्रता भी बढ़ेगी बच्चों की। माइल्ड ऑटिज्म तो 100% ठीक कर चुका हूँ मैं, और सेरेब्रल पैलेसी, शीर्षासन, सर्वांगासन, मेमोरी ग्रिड, खाली पेट, और इसे एपिलेप्सी तक भी ठीक हो जाती है, बहुत लोगों को ये समस्या है। तो क्या करें, तो ये मेमोरी ग्रिड, खाली पेट और मेधावटी खाने के बाद ले ले, सारस्वतारिष्ट अश्वगंधारिष्ट पी ले, और सबके लिए कॉमन है ये, देखो द्राक्षासव, ये ब्रेन के लिए अच्छा, नींद भी अच्छी आती है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा, एनर्जी भी अच्छी रहती है, और दारू भी छूट जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।